पैसा बाजार ऐप से लोन अप्लाई करने के लिए आपको इस पेज के ऊपर आना होगा। इस पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर देना है। यहाँ पे सैलरी या सेल्फ एम्प्लॉय दोनों में से आपको एक को चुनना होगा। यहाँ पे आप चेकबॉक्स लगाएंगे, अप्लाई नाउ के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे कुछ सेकेंड वेट करना होगा। जैसे ही आप कुछ सेकेंड वेट करेंगे, उसके बाद आपको अपना इनकम बताना होगा, आपका सालाना इनकम कितना है। तो हमारा इनकम 5 लाख से 10 लाख के बीच है, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आपको अपना बैंक चुनना होगा, जो भी आपका प्राइमरी बैंक रहेगा आप उसको चुनेंगे। बैंक चुनने के बाद आपको अपना वर्किंग कंपनी का नाम देना होगा, आप किस कंपनी के अंदर काम करते हैं उस कंपनी का आप नाम भरेंगे। कंपनी का नाम भरने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए काफी सारी सिटी आपको शो करेगा, जिस भी सिटी में जॉब करते हैं वो चुनेंगे। जैसे ही आप सिटी चुनेंगे, आपके नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आप यहाँ पे भरेंगे। ओटीपी भरने के बाद यहाँ पे देखिए कुछ देर प्रोसेस होगा। यहाँ पे आपको बताना होगा आप लोन क्यों लेना चाहते हैं। जैसे आप लोन का प्रोसेस चुनेंगे, आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा। सिलेक्ट योर रेजिडेंट टाइप, तो आपको यहाँ पे बताना होगा जिस मकान में आप रहते हैं वो आपका खुद का है, आपकी फैमिली का है, या आप रेंट से रहते हैं, या पीजी से रहते हैं, आपको कंपनी ने प्रोवाइड करा है, वो आप यहाँ पे चुनेंगे। उसको चुनने के बाद आपको यहाँ पे अपना पर्सनल लोन अमाउंट चुनना होगा, आपको कितना लोन अमाउंट चाहिए। जितना भी लोन अमाउंट आपको चाहिए वो अमाउंट यहाँ से आप चुनेंगे। लोन अमाउंट चुनने के बाद यहाँ पे देखिए आपको अपना फुल नेम देना होगा, यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी देना होगा, और यहाँ पे चेकबॉक्स लगाएंगे। यहाँ पे देखिए नीचे का ऑप्शन से अनलॉक बेस्ट ऑफर, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे पेज को स्किप या रिफ्रेश नहीं करना है। जैसे ही आप अपनी डिटेल्स वेरीफाई करेंगे, आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको अपना जेंडर बताना होगा, अगर मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, जो भी आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे भरेंगे वो आपके पैन कार्ड के ऊपर रहेगी, वही भरेंगे। यहाँ पे आप अपना पिन कोड भरेंगे, यहाँ पे आप अपना पैन कार्ड का नंबर भरेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सभी डिटेल्स हमारी भर दिए। नीचे एक ऑप्शन से अनलॉक बेस्ट ऑफर, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करना होगा। तो अभी आप देख सकते हैं हमारी प्रोफाइल यहाँ पे वेरीफाई हो रही है, जो भी हमारा लोन का ऑफर रहेगा वो यहाँ पे शो कर देगा। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं हम लोग एलिजिबल है 20 लाख के लोन के लिए। हमारा जो रिक्वायरमेंट अमाउंट है वो 1 लाख है, और हमको यहाँ पे 5 साल का टाइम ड्यूरेशन मिल सकता है। अगर मैं लोन ऑफर की बात करूँ, तो यहाँ पे देखिए टाटा कैपिटल, HDFC बैंक, ICICI बैंक, SMFG फाइनेंस, एस बैंक, ये बैंक हमें शो कर रहा है, इनकी मदद से हम यहाँ पे लोन ले सकते हैं। तो अगर आपकी प्रोफाइल सही रहेगी तो आपको यहाँ पे इजीली लोन मिल जाएगा। अगर आप हमारे लोन के चांस देखेंगे तो सबसे ज्यादा टाटा कैपिटल के अंदर है, देन दूसरा हमारा HDFC बैंक के अंदर है। तो यहाँ पे देखिए हम HDFC बैंक के अंदर हमारा लोन अप्लाई करेंगे, और अगर आप चाहे तो टाटा कैपिटल के अंदर भी कर सकते हैं, यहाँ पे आपके ज्यादा चांस है। तो यहाँ पे देखिए हम HDFC बैंक के अंदर अप्लाई करेंगे, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो लोन अमाउंट है वो 1 लाख रुपए है, इसका टाइम ड्यूरेशन 5 साल है, इसके अंदर हमारा जो EMI रहेगा वो 2211 रुपए आएगा, इसके अंदर जो हमारा इंटरेस्ट रेट रहेगा वो 11.755% है, इसके अंदर हमारा जो प्रोसेसिंग फी रहेगा वो 4999 रुपए रहेगा। यहाँ पे देखिए अगर हम 1 साल के लिए इस लोन को बंद करेंगे तो 4% हमको यहाँ पे एक्स्ट्रा देना होगा। सारी डिटेल्स यहाँ पे आप पढ़ेंगे, यहाँ पे आपकी सभी डिटेल शो करेगा, यहाँ पे आपको उसको अच्छे से चेक करना है, और यहाँ पे देखिए आपको अपना ऑफिस का ईमेल एड्रेस देना है, यहाँ पे आपको अपना करंट एड्रेस देना है जहाँ पे भी आप रहते हैं, यहाँ पे आपको अपना परमानेंट एड्रेस देना है, यहाँ पे आपको अपना पर्सनल रेफरेंस देना है, अगर आप किसी को जानते हैं तो उनकी डिटेल्स यहाँ पे भरेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं हमने हमारी सभी डिटेल्स भर दी। सभी डिटेल्स भरने के बाद यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है सबमिट, आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे, ये आपकी डिटेल्स वेरीफाई करेगा और आपको एक रेफरेंस नंबर जनरेट करके दे देगा। तो अभी आप देख सकते हैं हमारा एप्लीकेशन HDFC बैंक के पास जा चुका है। इसको पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में 24 घंटे तक का टाइम लग जाएगा। आपने जब लोन अप्लाई किया है, जो भी आपने चीजें बताई है, अगर वो सभी की सभी सही है तो आपको यहाँ से इजीली लोन मिल जाएगा, और 24 घंटे के अंदर पैसा आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको इजीली समझ आया होगा कि आपको पैसा बाजार के अंदर लोन कैसे प्रोसेस करना है, कैसे यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कुछ चीजें आपको नहीं समझ आ रही, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा एक जनरल रिप्लाई देने की। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। चलिए धन्यवाद।